मुंबई के बांद्रा पूर्व चुनाव में शिवसेना को भारी जीत। तृप्ति सावंत ने कांग्रेस के नारायण राणे को करीब 20,000 मतों से हराया। बांद्रा की हार नारायण राणे के लिए बड़ा झटका। एमआईएम चुनाव में रही तीसरे नंबर पर। जीत के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं का जश्न। मुर्गी और झंडों के साथ उतरे सड़क पर। शिवसेना कार्यकर्ता नारायण राणे के घर के सामने गए थे पटाखे चलाने। राणे समर्थकों ने शिवसैनिक समझकर एक शख्स को पीटा। सांगली के ताश गांव में स्वर्गीय आरआर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल की जीत। 1,00,000 वोटों से आगे रही। शिवसेना ने अल्पसंख्यकों पर फिर साधा निशाना। सामना में लिखा, देश को बचाने के लिए नसबंदी जरूरी। मुस्लिम और ईसाइयों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए खतरा। छोटा परिवार मुसलमानों की तरक्की के लिए भी ठीक। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मकोका के सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में कर सकते हैं अपील। आरोपियों में से एक राकेश दावड़े की याचिका खारिज। यूपी के रामपुर में वाल्मीकि बस्ती में तोड़फोड़ करने गई पुलिस के खिलाफ धरना। लोगों ने खुद ही टोपियां पहनकर मुसलमान बनने का किया ऐलान। मौके पर मौजूद नहीं था कोई मुस्लिम धर्मगुरु। वाल्मीकि समाज के लोगों का धरना अब भी जारी। नगरपालिका की जमीन पर बने हैं मकान। बस्ती के लोगों का आरोप, नगरपालिका के कर्मचारी सिप्ते नबी ने रखी थी मकान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में दूसरे धर्मों की एंट्री पर दिया विवादित बयान। राज्य सरकार और संतों की जिम्मेदारी है इसे शुद्ध रखें। हमारा एक है ना हर की पेड़ी वाला स्थल 1916 पहले से प्राचीन काल से ही केवल सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए संरक्षित है और उसकी पवित्रता उसकी मर्यादा को बनाए रखते हुए वहाँ पर इस व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए। केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने मनमोहन सिंह को किया गुमराह। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को दी जानकारी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया, ए राजा ने कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाई थी कट ऑफ की तारीख। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई के बाद गुजरात पुलिस का अलर्ट। सोमनाथ अंबाजी और अक्षरधाम मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुलाई बैठक। ताजा हमलों को लेकर चर्चा। व्यापम केस में आज दिग्विजय सिंह एसआईटी से कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़े सबूत होने का दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, जन लोकपाल बिल पर काम की हो चुकी है शुरुआत। केजरीवाल विरोधी गुट के योगेंद्र और प्रशांत शुरू करेंगे स्वराज अभियान। वर्किंग कमेटी बनाने का ऐलान। केजरीवाल विरोधी गुट के स्वराज संवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक। योगेंद्र और प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई की हो सकती है शुरुआत। दिल्ली में एक स्कूल के औचक निरीक्षण के बाद मनीष सिसोदिया का ट्वीट, यहां फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, लैब नहीं। मीडिया में खबर आने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने वापस लिया नोटिस। नक्सली हमले में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से अंतिम संस्कार का मांगा गया था खर्चा। गरियाबंद में 3 साल पहले नक्सली हमले में शहीद हुए थे किशोर पांडे, अंतिम संस्कार पर खर्च हुए थे 10,000 रुपए, लौटाने का नोटिस। घटना को लेकर विवाद शुरू होने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह का दखल, रिजर्व ऑफिस को किया गया सस्पेंड। जनता परिवार के विलय पर आज लगेगी मोहर। दोपहर 3 बजे दिल्ली में मुलायम के घर पर बुलाई गई बैठक। एसपी आरजेडी जेडीयू और जेडीएस समेत 6 सियासी दलों का होगा विलय। आज मुलायम करेंगे औपचारिक ऐलान। नीतीश लालू के साथ जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा भी बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक के बाद विलय का ऐलान। समाजवादी जनता दल हो सकता है नई पार्टी का नाम। मुलायम सिंह यादव होंगे नई पार्टी के मुखिया। एसपी का मौजूदा चुनाव चिन्ह साइकिल हो सकता है नई पार्टी का निशान। विलय को लेकर सभी तैयारियां पूरी। विलय से पहले जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान का, जनता परिवार की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं। भी गारंटी नहीं दे रहे कि हम लड़ेंगे नहीं। हम नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। याने संघर्ष में देख रहे हैं, हम लड़ाई में सब एक रहेंगे, उसकी गारंटी मैंने दे रही। आम आदमी पार्टी
आज तक से खास बातचीत में बोले शरद यादव, कहा लोहिया और जेपी में भी लड़ाई होती रही और हम नहीं रोक सके। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा भगवान से नहीं डरते तो मोदी कौन है। हमारा जो हम लोग जो हमारे पुरखे भी हैं और हम भी हैं वो भगवान से डरते नहीं तो मोदी क्या चीज है। जर्मनी से कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ओटावा एयरपोर्ट पर उतरते इन भारतीयों से की मुलाकात। ओटावा में होटल के बाहर नरेंद्र मोदी से मिलने वालों की उमड़ी भीड़, लगे मोदी मोदी के नारे। कनाडा के गवर्नर और प्रधानमंत्री हार्पर से आज मिलेंगे मोदी, परमाणु ऊर्जा व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी वार्ता। टोरंटो के रिको कॉलेजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे मोदी, करीब 10,000 भीड़ जुटने की उम्मीद। बर्लिन से दूसरे विमान से ओटावा पहुंचे मोदी, उनके विमान में आई थी खराबी, द्विपक्षीय वार्ता के लिए 42 साल बाद कनाडा पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। आज रात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल के स्वदेश लौटने की अटकलें, 19 अप्रैल को किसान रैली में होंगे शामिल। राहुल को लेकर दिए बयान पर शीला दीक्षित ने दी सफाई, का मैंने राहुल का नाम भी कभी नहीं लिया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। बिल्कुल एक गलत बात लिखी है ये, इसको शब्दों को मोड़ा गया है और कुछ शब्द डाले गए हैं जो कहे ही नहीं गए थे। शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी के नेतृत्व का किया था समर्थन, कहा था सोनिया को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए। भूमि अधिग्रहण को लेकर आज दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी की रैली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी मौजूदगी। बीजेपी की रैली में केजरीवाल के मुआवजे के सच का करेंगे खुलासा हर्षवर्धन और सतीश उपाध्याय भी रैली में लेंगे हिस्सा। बीजेपी ने अगले हफ्ते नरेला में भी बुलाई है किसान रैली, भूमि अधिग्रहण पर किसानों के सामने रखेगी अपनी राय। बुंदेलखंड में किसानों पर एक और आफत, सरकारी आदेश के बावजूद बैंक ने की ट्रैक्टरों की नीलामी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18 किसानों के ट्रैक्टरों की ऑनलाइन नीलामी की, किसानों पर बताया 70 लाख का कर्जा। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ बीएसपी ने भी खोला मोर्चा, मायावती ने कहा राष्ट्रव्यापी आंदोलन की होगी शुरुआत। सन 2013 के बने रास्ते हैं भूमि अधिग्रहण कानून में अनेकों किसान विरोधी संशोधन कर दिए हैं, जिसको लेकर पूरे देश का किसान इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है, वे आंदोलित भी है। बीजेपी में शामिल हुई अभिनेत्री रूपा गांगुली के साथ कोलकाता में बदसलूकी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। रूपा गांगुली का आरोप, नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की बदसलूकी, गाड़ी में भी तोड़फोड़। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा देश हित। आज तक से बातचीत में बोले रक्षा मंत्री का, 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था फैसला। मुझे लगता है कि ये निर्णय इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हुआ है, वो पिछले 4-5 बरस पहले होना था, 2010-2011 में होना था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा राफेल डील को लेकर यूपीए सरकार में असमंजस था, वो वहां ही घूम रहा था। आपको भी मालूम है 2012 में तो प्राइस डिस्कवरी हुई थी और अभी 15 में 3 बरस उसके ऊपर केवल नेगोशिएशन चल रहे थे और ब्रेक नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है कि दिस इज एन आइस ब्रेकिंग, एक ऐसा सौदा है कि वो करने की जरूरत थी। विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह का बयान, श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला राजीव गांधी सरकार की बड़ी चूक थी। उस समय हमारे वहां पर उच्चायुक्त थे, वो किस तरीके से गाइड कर रहे थे, उनकी गाइडेंस कितनी सुनी जाती थी, राजीव गांधी ने उसके ऊपर क्या फैसला लिया, लेकिन नतीजा ये था कि जमीन पर कई बार ऐसा हुआ जबकि आप प्रभाकरों को पकड़ सकते थे, मार सकते। रायपुर में अपनी आत्मकथा साहस और संकल्प के विमोचन के दौरान वीके सिंह ने कहा प्रभाकरण को पकड़ा जा सकता था लेकिन कुछ आदेश ऐसे आते थे जिससे वो निकल जाता था। जमीन पर कई बार ऐसा हुआ जबकि आप प्रभाकरों को पकड़ सकते थे, मार सकते।
लेकिन कुछ आदेश ऐसे आते थे कि रास्ता खोल दिया जाता था उन्हीं का जाना। वीके सिंह ने कहा श्रीलंका में लड़ाई लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच थी, लेकिन बाद में श्रीलंका सरकार ही लिट्टे को मदद करने लगी। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजनों ने बुलंदशहर जिला प्रशासन को लौटाया मुआवजे का चेक, सरकार के खिलाफ नाराज किए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए गाजीपुर के दो जवानों को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान वंशी धननायक के घर देवरिया में पसरा मातम, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के पश्चिम विहार में लड़की को शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी लड़की का आरोप केस वापस लेने के लिए 2 करोड़ की दी लालच। दिल्ली में फिर रोड रेज की घटना, महिला पत्रकार की साथी सहित पिटाई, स्कॉर्पियो सवार शख्स ने की पिटाई। ऑल्टो कार में अपनी सहयोगी के साथ जा रही थी महिला पत्रकार, स्कॉर्पियो सवार और कार के नंबर की तस्वीर। मेरे साथ यहीं पे स्कॉर्पियो गाड़ी ने यहाँ आके मुझे रोक लिया था और उसका वो यहाँ पे आके मेरे से बदतमीजी करने लगा, ट्रक उसका आगे खड़ा था, ट्रक वाला बंदा भी आया, फिर मेरा सहयोगी उतर के गया तो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ने 4 को कुचला, 3 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। 4 बुजुर्ग फुटपाथ पर खेल रहे थे ताश, लांसर कार ने 4 को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौके से फरार। दिल्ली के फौज इलाके वसंत कुंज में एक नौकरानी से गैंगरेप पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 35 साल की पीड़ित महिला का आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लोगों ने किया रेप, 2 अब भी फरार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, इंस्पेक्टर ने घर में जबरन घुसकर किया बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी को लेकर अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी।